तो हेलो गाइस, आज हमारे पास एक सैमसंग का 22 इंच का मदरबोर्ड आया है जिसमें बहुत ज्यादा कार्बन है। तो आज हम उसको वॉश करेंगे और प्रॉपर वॉश करने का तरीका आपको मैं बताऊंगा कैसे प्रॉपर वॉश किया जाता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस मदरबोर्ड में कितना ज्यादा कार्बन है, और ये सैमसंग का मदरबोर्ड है, इसमें बहुत ज्यादा कार्बन है। और इसमें कार्बन की वजह से आपको तो मालूम है कि कार्बन की वजह से कई तरह के फॉल्ट पैदा हो जाते हैं। तो आज हम इसका जो कार्बन है, पूरा का पूरा ये कार्बन, हम इसको वॉश करेंगे, इसको प्रॉपर वॉश करेंगे इस वीडियो में हम आज इसको। तो चलिए फिर इसको वॉश करना शुरू करते हैं। वॉश करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वॉश करने से पहले मैंने दो चीज़ इस्तेमाल की है। तो ये इस्तेमाल किया है कार्बन रिमूवर, और एक WD-40 यूज़ किया है। इसको मैंने मिक्स कर लिया पहले ही, ये आप देख सकते हैं। तो अब इससे हम इसको वॉश करेंगे, तो वॉश करना स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको ऐसा कर देंगे जैसे बिल्कुल नया मदरबोर्ड होता है, हम इसको ऐसा कर देंगे। यहाँ पे मैं पहले ही थोड़ा सा ब्रश मार चुका था, तो हम इसको बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर देंगे। हल्के हाथ से बिल्कुल ब्रश चलाएंगे इस पर, देख सकते हैं आप ये पूरा। देखो, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि इसका इन दोनों केमिकल को अभी यूज़ करोगे तो आपका जो इसमें कार्बन है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा। ये देख सकते हैं, देखो कार्बन पूरा क्लीन हो रहा है। आपका मदरबोर्ड ऐसा हो जाएगा जैसे बिल्कुल न्यू मदरबोर्ड होता है, और कभी भी इसमें फिर कोई फैट जल्दी कार्बन नहीं आएगा, जल्दी कोई फॉल्ट पैदा नहीं होगा। ज़्यादातर जो फॉल्ट पैदा होते हैं वो कार्बन के वजह से फॉल्ट पैदा होते हैं, स्टैंड बाय के हो गए या पिक्चर साफ नहीं आ रही, कई तरह के फॉल्ट जो होते हैं कार्बन से भी पैदा हो जाते हैं। ये देखिए आप, हम इसको एकदम से बढ़िया से क्लीन कर देंगे ताकि इसका जो फॉल्ट होगा इसके अंदर वो सारा फॉल्ट खत्म हो जाए। हम इसको एकदम बढ़िया से क्लीन करेंगे, आप देख सकते हैं, ताकि जो इसके अंदर बिल्कुल कार्बन है वो बिल्कुल पूरी तरीके से निकल जाए। अब आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आगे पूरा कार्बन ही कार्बन है इसमें, ये पूरा अंदर कार्बन है इसके अंदर पूरा। हम प्रॉपर साफ करेंगे, अच्छी तरीके से साफ करेंगे हम इसको। देखिए जो कार्बन है, ये जो कार्बन है वो पूरा साफ हो जा रहा है कार्बन। हम इसको ऐसा कर देंगे जैसे प्रॉपर नया मदरबोर्ड होता है, न्यू मदरबोर्ड, इसको प्रॉपर ऐसा साफ कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि मैं कुछ भी साबुन वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि बहुत लोग साबुन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं साफ करने के लिए। मैंने जो आपको बताया था दो केमिकल, मैं उन केमिकलों का सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ, और ये बिल्कुल ऐसा चमक जाएगा जैसे न्यू मदरबोर्ड होता है। बिल्कुल हल्का हल्का हमें लेना है, ज़्यादा हमें लेना नहीं है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा केमिकल लेना है, हल्का हल्का ब्रश में लेना है, उससे बिल्कुल ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। देख सकते हैं आप कितने अच्छी तरीके से इसमें से कार्बन पूरी तरीके से निकल रहा है। इसका पूरा कार्बन हम अच्छे से साफ कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे भी कितना कार्बन है। आप ऐसी जगहों का बिल्कुल आराम से साफ करेंगे जहां पे आईसी लग रही है छोटी छोटी, डायोड और ट्रांजिस्टर आईसी वगैरह। प्रॉपर तरीके से साफ करेंगे हम इसको, इसमें बिल्कुल भी कार्बन नहीं रहना चाहिए अगर आप इसको साफ कर रहे हैं तो। हम इसके एवी कनेक्शन वाले पे, एवी जो इनपुट होता है उस पर मार लेंगे हम इस पर। ये HDMI का हम अच्छे से साफ कर लेंगे, HDMI को, ये HDMI की जो पिन से हम इसको अच्छे से साफ कर लेंगे, इसकी जो पिन है सारी की सारी। मैं बिल्कुल हल्के हाथ से इस पर दबा के नहीं चला रहा हूँ, बिल्कुल हल्के हाथ से चला रहा हूँ। और ब्रश आप इस तरीके का लीजिएगा जिससे कि बढ़िया तरीके से साफ हो जाए। इसकी बॉल आईसी के पास, हम मेन आईसी के पास अच्छे से साफ कर देंगे ताकि यहाँ पे बिल्कुल भी कार्बन ना रह जाए, इन जगहों पे बिल्कुल भी कार्बन नहीं रहना चाहिए, इसको अच्छे से साफ कर देंगे।
और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कार्बन होने के वजह से भी इसमें पिक्चर में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पिक्चर साफ नहीं आती है या मैपिंग की प्रॉब्लम होती है, जो यहाँ पे कार्बन होने के वजह से भी होती है। कार्बन होने की वजह से स्टैंड बाई की प्रॉब्लम, कभी कभी कार्बन ज़्यादा होने की वजह से स्टैंड बाई की प्रॉब्लम भी आ जाती है कि आपका जो सेट होता है वो स्टैंड बाई में चला जाता है और जल्दी और ऑन नहीं होता है। इसलिए हम इसको अच्छे से प्रॉपर वॉश करेंगे, और प्रॉपर वॉश करने के बाद हम आपको दिखाऊंगा कि कैसे चमक जाएगा हमारा मदरबोर्ड। पीछे भी एक बार मार लेंगे हम दोबारा से, तो प्रॉपर वॉश करेंगे। आप देख सकते हैं इसको मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं इसको प्रॉपर वॉश कर चुका हूँ। अब इसको मैं एक बार पानी से धोऊंगा, अब मैं इसको एक बार पानी से वॉश करके उसके बाद दिखाऊंगा आपको। अब इस तरीके से वॉश करने के बाद आप इसको केमिकल से, उसके बाद आपको इसको पानी से अच्छी तरीके से वॉश करना है, और उसके बाद आपको इसको ब्लोअर से सुखाना होगा। तो इसको मैं पानी से वॉश करने जा रहा हूँ अब। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको पानी से वॉश कर लिया, और ये कितनी बेहतरीन तरीके से चमक चुका है, इसका पूरा कार्बन निकल चुका है। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा कार्बन था और सारा का सारा कार्बन निकल गया है। हमारी आईसी के पास कितना कार्बन था, यहाँ पे हमारे सर्किट में देखिए यहाँ पे कितना कार्बन था, मेन आईसी के पास कितना कार्बन था, सारा कार्बन यहाँ से देखिए, यहाँ से भी पूरा कार्बन निकल चुका है, यहाँ का सारा कार्बन एकदम न्यू मदरबोर्ड जैसा हो चुका है। तो अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।